नहीं, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे और आपको बताएंगे लाहौर पुलिस ने मोबाइल चोर का साथी समझकर 9 साल के बच्चे को पकड़ लिया। लाहौर पुलिस ने मासूम बच्चे पर बदतरीन तशद्दुद किया, जलते हीटर पर बिठा दिया। हीटर पर बैठने से बच्चे की पीठ चल गई, जिस्म पर छाले बन गए और बच्चे के वालिदैन 3 रोज तक लख्त जिगर को ढूंढते रहे और पुलिस ने इत्तला तक ना दी। CCPO ने नोटिस लेकर ये अहलकार मुअत्तल कर दिए हैं। 9 साल का बच्चा है जिसे मोबाइल चोर का साथी समझकर पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया था और इस 9 साल के बच्चे पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। दुआ मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ बताएगा ये 9 साल के बच्चे के ऊपर किस कानून के तहत तशद्दुद किया गया इन पुलिस वालों की जानिब से? जी बिल्कुल, पुलिस अहलकारों की बेहिसी सामने आ गई। 9 साल बच्चे को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 3 रोज कब ये बच्चा अगवा हुआ था और ग्रीन टाउन थाने में दरखास्त भी दे रखी थी वालदेन ने। बच्चे को एक नामालूम शख्स लेकर गया और मोबाइल की दुकान पर छोड़ दिया, जबकि मोबाइल के दुकानदार ने पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने उसको चोर का साथी समझकर उस पर भी बदतरीन तशद्दुद किया, हीटर लगा दिया, जिससे जो निशानात हैं वो वाजे तौर पर देखे जा सकते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत डॉक्टर शहबाज गिल और चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा रजा ने अभी जिना अस्पताल का दौरा भी किया और बच्चे की आयादत भी की। इसके अलावा CCPO ने बाकायदा नोटिस लिया। DIG ऑपरेशन की हदायत पर फौरी तौर पर एहलकारों को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज करने का भी कह दिया गया। SP सदर खुद इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करवा दी जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर, जिसमें यह बताया जाएगा कि किस कानून के तहत लाहौर पुलिस ने यह किया और फौरी तौर पर एहलकारों को मुअत्तल भी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दुआ मिर्जा, आप हमें अपडेट कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने